हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से नया और इम्पोर्टेंट अपडेट आ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट आवश्यक सूचना है। दिनांक जो है वह है 1 नवंबर 2021 का, और इसमें क्या कर रहा है पूरी जानकारी को देखते हैं। यह इम्पोर्टेंट नोटिस है, अपडेट है। तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 821 दिनांक 5/2021 की कंडिका के देखिए, इस संकल्प निर्गत होने की तिथि से पूर्व सक क हुआ, फिर यहाँ पे ख ग और घ के पदों पर नियुक्ति हेतु ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं संबंधित विज्ञापन जो कार्मिक विभाग की संकल्प संख्या 3854 दिनांक 1/6/2018 संकल्प संख्या आप देख सकते हैं 20/11/18 द्वारा से आच्छादित हैं, तथा जिनमें अब तक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया अपूर्ण मात्र उन सभी विज्ञापनों को निरस्त किया जाता है। अब इन मामलों में नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, जो भी एग्जाम लिए गए थे जेएसएससी की ओर से और जिसमें अब तक नियुक्ति पत्र यानी कि अभी तक जो जिसको जिसको भी नहीं मिला, नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, उन सभी प्रक्रिया जो भी हुआ था उन सारे विज्ञापनों को भी निरस्त कर दिया, पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है जेएसएससी की ओर से। और इसमें अब नए सिरे से इसका विज्ञापन प्रकाशन होगा, उसके बाद में फिर इसका एग्जाम लेगा। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, लेकिन इस प्रकार के एग्जाम होने के बाद में इस प्रकार का होना ये बहुत गलत चीज़ है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी समय भी जा रही है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि किस प्रकार का है यह अपडेट है। तो यहाँ पर है, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो विज्ञापन संख्या जो है आप लोग यहाँ 3/2018, 4/2018, 5/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019 का है। परीक्षाओं का एग्जाम देख सकते हैं आप, 3/18 वाले में है। झारखंड राज्य अंतर्गत कारों में वाहन चालकों की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2018 में, मतलब जितने भी वाहन चालक गाड़ी चालकों के लिए जो जेलों में होना था उसका भी कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे 4/18 में देख सकते हैं, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता 2018 वाला जो एग्जाम हुआ था उत्पाद सिपाही 2018, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। साथ साथ स्पेशल कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल जो था विशेष शाखारक्षी कॉलेज केडर प्रतियोगिता 2018, ये 5/18 है, इसको भी कैंसिल कर दिया गया है जेएसएससी की ओर से। साथ ही साथ 1/19 जो है विज्ञापन संख्या, उसमें है झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2019 जो नियमित रिक्ति थी उसको भी कैंसिल किया गया है। साथ ही साथ 2/19 में आप देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2019 जो कि बैकलॉग वाला था उसको भी यहाँ पे पूरे तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/2019 वाला में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/2019 वाला में झारखंड सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2019, तो यह जो भी है सीजीए लेवल का जो एग्जाम हुआ था या होने वाला था, देखिए 3/2019 उसको भी पूरी तरीके से कैंसिल किया गया। इसमें अब नया सिरे से इसका भी फॉर्म फिलअप होगा, डेट कब आएगा कब नहीं आएगा इसके बारे में अगला नोटिस आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा नियंत्रक की ओर से यह नोटिस दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सारे वैकेंसी जो हैं उनको अब नए सिरे से नए से फॉर्म भराएगा। अब देखते हैं इसके बारे में क्या अपडेट आएगा, तो वो अपडेट मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग यह इंपॉर्टेंट अपडेट को देख सकते हैं जेएसएससी की ओर से है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से। तो आप लोग यहाँ पूरी तरीके से तैयार हो जाइए क्योंकि अब नए सिरे से एग्जाम होने की संभावना है।